31 दिसंबर तक 14 जनवरी तक स्कूलों में रहेगी छुट्टी। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक बच्चों की रहेगी छुट्टी। यूपी के सभी बोर्ड के स्कूलों पर गाइडलाइंस लागू। बोर्ड परीक्षा 2023 के प्रैक्टिकल में हुए कुछ अहम बदलाव। जी हां दोस्तों, इसी के साथ आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 को डिले भी किया जा सकता है। डिले करने का कारण बहुत बड़ा आज सब लोग जानते हैं। अभी हर स्कूलों में ठंड की छुट्टियां बहुत जल्दी पड़ने वाली है, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन दोस्तों, ठंड की छुट्टियां जो 10 से 15 दिन की पड़ती हैं, अब उसी बीच कोरोना वायरस को पर्याप्त आंकड़ों के मुताबिक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो जनवरी का महीना है वो भारत के लिए बेहद खतरनाक और चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि उस टाइम कोरोना की चौथी लहर आने का खतरा काफी ज्यादा लग रहा है। सभी एक्सपर्ट्स का ये मानना है, अगर ऐसा होता है तो आपकी छुट्टियां लंबे समय के लिए पड़ने वाली हैं, और उसकी वजह से जो आपकी डेट शीट आई हुई है, यानी कि जो सीबीएसई बोर्ड का जिस तरीके से 15 फरवरी से एग्जाम है, उसको डिले किया जा सकता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब कोरोना वायरस के केसेस आएंगे। लेकिन आपको बताने, अभी फिलहाल सिचुएशन नॉर्मल चल रही है और अंडर कंट्रोल में चल रही है। लेकिन अगर सिचुएशन लागू के पार होती है तो दोस्तों आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आपके एग्जाम्स पर भी इसके प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल ऐसा लगता तो नहीं है कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा होगा काफी बड़ी मुसीबत पड़ने वाली है छात्रों के लिए। वही आपको बता दें, परीक्षा के पैटर्न में पूरा बदलाव किया गया है। 100% सिलेबस के साथ ही आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है इस बार। फिलहाल इस अपडेट में इतना। कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।